कहीं कैसे हैं आप, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम इसी चीज को ध्यान में रखें ना कि जो होगा अच्छा होगा या जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हम काफी हद तक टेंशन से, तनाव से बच सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे ये चीज हमें परेशान करती है ना, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, इसका क्या होगा, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा तंग करती है और हम तनाव में जाते जाते हैं। और अगर ये सोच लेंगे कि ठीक है ऊपर वाला देखता है, जो होगा ठीक होगा, अच्छा ही होगा, तो मुझे लगता है काफी हद तक टेंशन कम हो सकती है। और वैसे ना यही चीज मैं आज सर्च कर रही थी नेट पे, तो एक मुझे बहुत अच्छी कहानी पढ़ने को मिली, तो मुझे लगा कि ये कहानी जरूर आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि कई बार ना हम कोई लेक्चर सा देने लग जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो कि मुझे भी देगा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि क्या है लेक्चर देना। पर अगर कहानी के तौर पर, मतलब कोई एग्जाम्पल या कोई इंस्टेंस के तौर पर बताया जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मुझे मुझे अच्छी लगी है कहानी, मुझे लगता है आपको भी जरूर अच्छी लगेगी। तो कहानी कुछ ऐसे है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक मंदिर होता है, उसमें भगवान जी स्टैचू बन के खड़े होते हैं। तो एक उनके जो भक्त होते हैं बोलते हैं, भगवान जी आप खड़े हुए हो सुबह से ही, आप थक गए होंगे, तो आप जाके थोड़ा सा कहीं घूम आइए और मैं खड़ा हो जाता हूँ आपकी जगह। तो भगवान जी पहले तो सोचने लगे, फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, आप तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आए ना उससे कोई बात मत करना, चुपचाप रहना। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान जी तो बात करते नहीं है ना, हम ही बात करते रहते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि तुम बात मत करना, चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर रखी है, तुम उसकी टेंशन मत लेना। बोलते हैं ठीक है। तो भगवान जी चले जाते हैं, वो भगवान बन के खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले एक आदमी आता है, वो बिजनेसमैन होता है। वो भगवान जी को बोलता है कि मैंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया, मुझे आशीर्वाद दो और ताकि खूब फले फूले मेरा बिजनेस, और सिर झुका के प्रणाम करने लगता है। तो जब झुकता है ना तो उनके ना पीछे से उसका पर्स गिर जाता है, उस आदमी का। तो वो जो भगवान बना होता है आदमी, तो वो एकदम से बोलने लगता है, पर उसको याद आती है भगवान की बात की बोलना नहीं है, तो वो बोलता नहीं है। पर उसका मन करता है कि मैं बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया भाई, तो पर वो नहीं बोलता। फिर वो चला जाता है, उसको पर्स का पता ही नहीं लगता कि गिर गया या नहीं गिरा, तो वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ना एक बहुत गरीब आदमी आता है, वो भगवान के आगे आके रोने लग जाता है, भगवान जी मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं क्या करूं। रोते रोते ना उसका ध्यान उस गरीब आदमी का उस पर्स पे चला जाता है, वो एकदम से हैरान हो जाता है, खुश हो जाता है, और वो पर्स लेके चला जाता है कि आप बहुत दयालु हैं, और वो चला जाता है। अब उसको फिर हैरानी होती है कि अरे इसका पर्स नहीं था भाई, ये तो किसी और का पर्स था, पर वो मना किया था तो वो बोलता नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना एक नाविक आता है, सेलर। तो वो बोलता है कि मैं ना एक महीने की यात्रा पे जा रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी जो यात्रा है सफल रहे, क्योंकि समुद्र का मामला है, तूफान ना आए, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जब वो पूजा कर ही रहा होता है ना नाविक, इतने में वो जो सबसे पहले बिजनेसमैन आया था ना वो आ जाता है, वो उनके पास मंदिर में, और वो पुलिस को लेके आता है। वो बोलता है कि मैंने अभी यहाँ मंदिर में आया था और उसके बाद तो ये नाविक ही आया, जरूर इसने चोरी की है, आप उसको पकड़ो। तो पुलिस उसको पकड़ के जैसे ले जाने लगती है ना, तो उससे अब सहन नहीं होता जो भगवान बना खड़ा होता है। बोलते हैं रुको रुको, ये चोर नहीं है, मैंने खुद देखा है, ये तो चोर तो गरीब आदमी है, मतलब वो उठा के ले गया पर्स, और ये तो बिल्कुल इनोसेंट है, इसको कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस उसको छोड़ के और गरीब किसान को पकड़ के ले जाती है। अब क्या होता है, वो सब कहानी खत्म हो गई। अब रात को भगवान जी आते हैं। जब भगवान जी आते हैं तो भगवान जी को बड़ी खुशी खुशी बताता है, आज से मैंने बड़ा अच्छा काम किया, कमाल कर दिया। तो भगवान ने कहा तूने अच्छा नहीं किया, तूने कमाल नहीं किया। तो बोलता है अरे मैंने सच्ची में कमाल किया है, मैंने मतलब सही चोर को पकड़वाया, जिसने सही में गलत काम किया वो पकड़ाया। भगवान जी ने कहा अब तू सुन मेरी बात, मैंने तेरे को मना किया था कि तू बोलना मत, क्योंकि मैं सारी सेटिंग करके जा रहा हूँ, तूने बोल के सारा गड़बड़ कर दिया। अब क्या हुआ, अब सुन, सबसे पहले बिजनेसमैन आया, अब बिजनेसमैन की कमाई सारी काली थी, काली काली मतलब कि उसने कोई भी मतलब दो नंबर का पैसा था, अगर उसका पैसा गिर भी जाता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको जब गरीब ने वो पर्स लिया, उसकी जो दुआएं हैं वो मिलके उसके जो थोड़े पाप है वो कम हो जाते, पर तूने वो भी नहीं होने दिया। उसके बाद जब ये नाविक आया, इस नाविक ने ये कहा कि भाई मैं यात्रा पे जा रहा हूं, इसकी वहां पे दुर्घटना होने वाली है, ये मरने वाला है वहां पे, पर तुमने क्या किया कि मैंने तो अपनी तरफ से ये सेटिंग कर रखी थी कि इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये जेल में रहेगा, जेल में रहेगा तो कैसे जाएगा, जाएगा नहीं तो मरेगा नहीं, तो ये बचाव हो गया, तुमने क्या किया कि उसको फिर मरने के लिए भेज दिया। तो ये होता है ये कहानी सिर्फ इतनी थी कि भाई जो होता है
अच्छे के लिए होता है, मतलब हमें मतलब सोचना नहीं चाहिए, हमें बस भगवान का ही शुक्र अदा करना चाहिए कि बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप भी अच्छा ही करना। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अब वो होगा जो भगवान को अच्छा लग रहा है। इसलिए आप ही सोचिए और टेंशन मत बनाइए, जो होगा देखी जाएगी, जो होगा अच्छा होगा। पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपनी तरफ से अच्छाई करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी, गलत काम नहीं करना, और हमेशा स्माइल भी रखनी है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो ये तो थी आज छोटी सी कहानी। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।